नहीं बन सकता, वापस उनको करने के लिए आए। दूसरा वाला जो साइड लिंक वाला दोस्त रहता है वो आया है अभी, उसके बाद मिलते हैं। लेके जाना है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7:15। आज मैं थोड़ा जल्दी आया था, यहाँ ट्रांसफॉर्म रूम में उसका फ्यूज़ उठ गया था, उसको देसी भाषा में जंपर बोलते हैं, वो रहा ऊपर। ये वाला जो है ना बीच में जो वायर, वो कम पड़ रहा था तो इधर था पहले, तो इधर डाल दिया। अभी मोटर चालू हो गया है, बार बार उठ जा रहा है, पता नहीं ट्रांसफॉर्म में कुछ प्रॉब्लम है क्या है। अभी ये तीसरी चौथी बार हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फेल जाती है। रात को 2:30 बजे गया था, तो अभी 3-4 घंटे का इलेक्ट्रिसिटी फेल रहा, तो अभी मूँगफली में एक दिन लेट हो जाएगा पानी। अभी तो चालू है, जितना आएगा उतना करेंगे। इसके बाद यहाँ पे प्लांटेशन करना है थोड़ा बहुत, 40-50 प्लांट्स आएंगे। तो अभी थोड़ा जल्दी आ गया, मुझे जीप लेके जाना है वहाँ से, तो भैया लेके आएंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्या होता है लेबर को लेके। पहले इसमें जो घास निकल रहे हैं आम का जो प्लांटेशन है उसके बीच में जो लाइन है उसमें, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिएगा, और हाँ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हम आ गए हमारे बड़े वाले प्लांटेशन में, तो यहाँ पर कल रोटरी टिलर आया था, तो उन लोगों ने एक दो बार ऐसे चलाया था। देखिए यहाँ पर क्लियर हो गया है घास, और यहाँ पे भी है एक, ये रहा इधर भी, देखिए अंदर तक क्या है पूरा इधर। ये ट्रैक्टर नॉर्मल तो जा नहीं सकता इसलिए, तो उसका कुछ टूट गया है, पता नहीं क्या टूटा है। तो वो कल एक 1.5 घंटा चला है, उसके बाद चले गए वो, पता नहीं राम जाने क्या हुआ है, अभी कब आएंगे। ज़्यादा देर होगी तो क्या होगा, सूख जाएगा ये ज़मीन, आगे तो नहीं सूखेगा, पीछे के पोर्शन है वो सूख जाएगा, इसलिए दिक्कत होगी। अभी जो दोस्तों हम जो प्लांटेशन के उसके लिए जो कलम बांधेंगे, तो ऐसा देखते हैं आपको, वो कटिंग करेंगे हम। ये जो यहाँ से निकलेगा, अभी यहाँ से निकलेगा नया वाला इधर से, तो वो जो होगा वो काटेंगे हम, तो ऊपर से पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी ये 7 साल पुराने हैं प्लांटेशन, ये देखिए आज फॉग आया, सुबह होगी कंडीशन है इसलिए पत्ते पूरे गीले हो चुके हैं। अभी फॉग कंडीशन होगा तो उसके बाद जब इसके ऊपर जो बूर लगेंगे, जिससे वो आम का फल निकलता है वो बूर लगेंगे, तो वो अच्छा होगा। ये हमारे बड़ा वाला प्लांटेशन, इसको 10-11 साल हुआ, तकरीबन 11 साल हुआ बड़ा, बड़े पेड़ हैं, तो इसमें से तो हाथ से निकालना पड़ेगा, ट्रैक्टर जा नहीं सकता इसमें। ये देखिए इसमें तो ट्रैक्टर जा नहीं सकता। और ये अनार का है प्लांटेशन, इसमें अभी इन लोगों ने इथ्रेल डाला है, उसमें क्या होगा कि ये पूरे पत्ते गिर जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि सूख चुका है पूरा, उसके बाद नया फूट आएगा, वो जो 4 पत्ते ऐसे चौकड़ी करके आएगा उसमें नया फ्लावरिंग आएगा, फिर उसके बाद फ्रूट होगा। तो चलिए अभी वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। भैया गाड़ी लेके आ रहे हैं, जीप 540 हमारा महिंद्रा, तो उससे मुझे लेबर को लेने जाना पड़ेगा, उसके बाद काम शुरू होगा। अभी 1-1.5 घंटे में ये मूँगफली में पानी ख़त्म हो जाएगा। लाइट तो मैंने चालू कर दी है उधर मोटर, तो क्या था वो फ्यूज़ आता है उसको देसी भाषा में हम जंपर बोलते हैं, वो टूट गया था, तो उसको वो छोटा पड़ रहा था, तो ऊपर डबल है उसका, तो उसके ऊपर डाल दिया, मैंने आपको वीडियो में दिखाया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे शूट करेंगे। अभी चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं क्या और काम है क्या नहीं है, तो चलिए लेट्स गो। दोस्तों ये सुरेश भाई ने जो बेड में डाल दिए हैं प्लांट्स, पूरा 1 साल रहेगा इधर। अभी इसका जो 5 फीट का 4-4.5 फीट का ग्रोथ है वो इतना ही रहेगा, क्योंकि बैग छोटा हो गया इसलिए। ये क्या 8 इंच का 12 इंच का बैग है, अभी इसका ग्रोथ रुक जाएगा,
ये सूखेगा नहीं, लेकिन थोड़े थोड़े पत्ते निकालता रहेगा, ऐसा होगा। फिर जब अगले साल ये प्लांट्स ज़मीन में जाएंगे तो इसका ग्रोथ फास्ट होगा, क्योंकि इसकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी और अंदर ही अंदर ग्रोथ हो जाएगी जड़ें। इसलिए ये छोटे वाले हैं, ये बड़े वाले हैं, और ये सब बाटा हैं। अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, वो दूसरा वाला जो साइड लिंक वाला रोटावेटर आता है वो आया है, अभी कल टूट गया था तो रिपेयर करने गए थे, तो चलिए वहाँ पे देखते हैं क्या है। पूरा 3 से 4 फीट साइड में चल रहा है, देखिए। पहले जो हमारा रोटावेटर था वो सीधा ही चल रहा था, तो अभी ये देखिए यहाँ पे चल रहा है पूरा ऐसे, उसका जो खड़ा था वहां सब गया है। इधर दिखाता हूँ आपको, ये देखिए पूरा इधर तक गया, लास्ट तक यहाँ पे हमारा इधर ही चल रहा था, इधर तक वहाँ तक नहीं जाता था, तो अभी ये चला गया है। अभी लेबर आएंगे उधर तो वहाँ पे चलेंगे, और मेरे बड़े भैया वो लेके लेने के लिए गए हैं जीप से, तो चलिए वहाँ पे चलेंगे, उसके बाद मिलते हैं। वापस हम चेक करने के लिए आए इधर, ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया है नीचे तक, अभी बीच बीच में कहीं बाकी है तो वो आगे चल रहा है, तो ये अभी बाकी करेंगे। थोड़ा पीला पड़ गया है, इसमें कुछ दिक्कत है, इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तो जो लास्ट वाले में चालू है। तो अभी बज रहे हैं 11, मैं इधर फिर से क्राउन मारने के लिए आया हूँ, कैसा काम हो रहा है देखते हैं। ये सभी जगहों पे तो चला दिया रोटरी टिलर, फिर वहाँ पे चालू शायद आगे, अभी आगे जाके देखते हैं क्या है। यहाँ पे तो आ गया, उधर भी आ गया है, अभी इधर बाकी, ये वाला पर्सन बाकी है, तो वो रिटर्न में आएगा तो करेगा शायद, ऐसा लगता है। अभी ये थोड़ा थोड़ा रह गया है, पूरा एकदम साफ हो जाएगा, इधर तक लास्ट तक जाएगा वहाँ पर। आज गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, बारिश जैसा लग रहा है, साइक्लोन का कुछ लो प्रेशर बन तो रहा है कैरेबियन सी में, कल मैंने देखा था IMD की वेबसाइट पे, देखते हैं क्या होता है। अगर बारिश ना आए तो अच्छा है, क्योंकि हमारे वो जो छोटे वाले प्लांट्स है उधर ज़मीन सूख गया है, अभी उसमें बेड बनाने हैं, अगर बारिश आई तो बेड नहीं बन सकता। अभी यहाँ पे चालू है, देखते हैं
कहाँ पे है, कितने बड़े हो गए देखिए पेड़, आधा गर्मी 50% तो गर्म इससे हो रहा है क्योंकि एयर सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, इसलिए ये रहा इधर चालू है। कोने कोने में जा रहा है उधर, वो देखिए कोने में खेल रहा है, पूरा ऐसे साफ कर रहा है। अभी पूरा लास्ट तक जा रहा है देखिए। तो अभी इधर राउंड मार लिया है हमने, तो अभी जाएंगे घर, अभी 11 बज रहे हैं वैसे भी, तो दोपहर के बाद मिलते हैं। तो चलिए घर चलते हैं, उसके बाद फिर वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक टू अ वीडियो। तो अभी हम आ गए वापस राउंड मारने के लिए, इधर घर से वापस आए, 1.5 घंटा हुआ वहाँ पे, वो फावड़ा चला रहे थे ट्रैक्टर से, थोड़ा लेवल करना था इसलिए। तो अभी यहाँ पे देखिए सब जगह पे चल गया है, अच्छी तरह से हुआ है, कोई कोना बाकी नहीं रह गया, कुछ चेक करने के लिए जा रहा हूँ मैं। मस्त चला है देखिए, पूरा घास निकल गया, 2 दिन पहले कैसा था और अभी कैसा हो गया देखिए। ये आज हमने बेड में मैंगो प्लांट्स कैसे डालने, उसके लिए अलग से एक वीडियो हमारे हार्वी फार्म में नर्सरी पे डाला था, उसका लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, तो उसको भी देखिएगा, वो गुजराती में है। तो सारे गुजरात वाले जो किसान हैं और नर्सरी के जो मालिक हैं वो देखें इसको। तो चलिए अभी आगे दौड़ते हैं, देखते हैं कितना बाकी है, कितना क्या है, अभी वहाँ पे जाएंगे, चालू है रोटर टिलर वहाँ पे। वो वीडियो में 8-10 मिनट का वीडियो है, उसमें मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डाली है, तो वो देखिएगा ज़रूर और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, बहुत लंबा रास्ता देखिए, वो वहाँ से आया हूँ मैं वहाँ से, और यहाँ इतना ही इधर है, पूरा 6 एकड़ का प्लॉट है ये, 600 प्लांट्स हैं इसमें, 7 साल पुराने हैं सभी, अच्छी तरीके से चला है अभी, कोई गलती नहीं है। तो चलिए वहाँ पे चलते हैं, तो चलिए वहाँ पे चलते हैं और फिर वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों हमने वहाँ पे राउंड मार लिया, वहाँ पे ट्रैक्टर अच्छी तरीके से रोटर टिलर चला रहा है वो ड्राइवर, और वैसे हमारा ट्रैक्टर नहीं है, दूसरों का है, रेंट पे लिया है। तो अभी थोड़ा काम बाकी, आधे घंटे घंटे चलेगा। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और देखिएगा, और हाँ लाइक करना मत भूलिएगा, इस वीडियो के लाइक का एम रखते हैं 1000 लाइक्स। तो चलिए जय हिंद, बाय बाय।